love story pure 9 months ki. बेहतरीन बेहतरीन देखिए ये तो है ही बेस्ट तभी तो इनकी चॉइस भी बेस्ट है हमारी माला जी है कि नहीं थैंक यू तो हमारे दूल्हे राजा के बाद बारी है एक ऐसे उम्दा कलाकार की ऐसे गायिका की जिनके नाम पे ही कविता है और नाम है काव्या जी अरे आ जाइए आइए काव्या जी एक मिनट सारंगधर अलिया जी 5 मिनट दीजिए हमको कोई मेडिकल इमरजेंसी तो नहीं है बस 5 मिनट में आया हूं हाँ कंग्रेचुलेशंस माला थैंक यू सो मच आलिया आपने मेरा लोन अप्रूव किया इट्स अ बिग हेल्प Thank you so much. काव्या जी क्या हुआ आप अचानक से वहां से आ गई काव्या जी काव्या जी आप ठीक तो हैं? सारंग तुमने मेरा स्टेज पे नाम क्यों अनाउंस किया मुझे स्टेज पे नहीं गाना कभी भी नहीं गाने समझ में नहीं आता है तुम्हें बचपन में मेरे गाने की वजह से मेरे पापा की जान चली गई थी मेरी 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 सिंगिंग स्टेज पे जाने के जुनून की वजह से मैंने अपने पापा को खो दिया था मैं जब स्टेज पे होती थी ना तो ऐसा लगता था जैसे आसमान में उड़ रही हूँ पापा हमेशा कहा करते थे कि तुम एक बहुत अच्छी सिंगर बनोगी मैं सिर्फ 5 साल की थी जब मुझे कंपटीशन में जाने के लिए बहुत देर हो रही थी मैंने पापा को कहा कि पापा प्लीज गाड़ी और फास्ट चलाओ वरना स्टेज पे जाने के लिए लेट हो जाएगा और पापा सिर्फ मेरे लिए अपनी कबू की बात मानते हुए गाड़ी और तेज चलाने लगे कार में मम्मा भी थी जो प्रेग्नेंट थी और जब तक हम उनको हॉस्पिटल लेके गए उनकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी डिलीवरी के बाद वो भी पापा के पास चली गई और विशु विशु इसीलिए एक स्पेशल चाइल्ड है मेरे काने काने की जिद ने मेरी पूरी फैमिली मुझसे छीन ली It's all because of me, Sarang. It's all because of me. मैं ही जिम्मेदार हूँ. मैं अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर सकती. I'm like the worst daughter ever. सारंग मैं प्लीज कुछ देर अकेले रहना चाहती हूँ
काव्या जी, करोड़ का डिपॉजिट मेरे अकाउंट में? आलिया? नंदनी शर्मा, सिर्फ ये कंफर्म करने के लिए कॉल किया था कि आपको आपके इन्वेस्टमेंट का एक एक पैसा आपके प्रॉफिट के साथ मिल गया होगा। आलिया बेटा, इतना बड़ा अमाउंट कैसे? 20 करोड़ अरेंज करना उतना डिफिकल्ट नहीं था जितना डिफिकल्ट आपके इस फेवर के साथ रहना था। सिर्फ एक फेवर चाहती हूँ मैं आपसे। हाँ कहो बेटा। जिस तरह आप बचपन में मुझे छोड़कर चली गई थी, मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा के लिए मेरी जिंदगी से चली जाएं। आलिया, नंदनी शर्मा को तो अपनी लाइफ से दूर कर दिया है, अब सारंगधर को भी मेरी लाइफ से दूर जाना होगा। अब आप पहुंच गए हैं ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कहीं मैं सारंगधर के साथ कुछ गलत तो नहीं कर रही? बेनाम जिसका बाप है वो बच्चा नहीं पाप है? ऐसे बच्चों को होना ही नहीं चाहिए। बेनाम जिसका बाप है वो बच्चा नहीं वो पाप है। नहीं, ये करना जरूरी है। सुनीता, मेरा ट्रॉली बैग निकालना, मुझे पैकिंग करनी है। आप भी लाई दीदी। माला, ये डेकोरेशंस, ये आउटफिट ना बहुत ही एवरेज है। वेडिंग की एक भी अच्छी पिक्चर नहीं आएगी। और थोड़ा वेट लूज कर लेती तो शायद मुझे कॉम्प्लीमेंट करती। मैम थोड़ा स्माइल। एक सेकेंड, उस टेबल पे जाके सर्व कीजिए, टिश्यूज मत भूलिए। ओके, काव्या जी, कल अनजाने में जो हमसे गलती हुई उसके लिए सॉरी, और सॉरी के साथ आपके लिए कुछ लाए। सारंग, इट्स ओके, तुम्हें पता नहीं था, तुम्हारी गलती नहीं है। एक बार देख तो लीजिए। बन जाने में हम कुछ भी कहें आपको सुनने की कोई जरूरत नहीं, सीधा इससे मुंह बंद कर दीजिएगा। सारंग, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है अकेले में। चलो सारंग, ये आशीष ना माला के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। राहुल जी, ऐसा आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि आप भी माला जी के लिए प्रेम महसूस करते हैं। तुम ना वो गलती मत करना जो मैंने कर दी है। तुम्हें अगर किसी से प्यार हो ना तो उसे जाकर बता देना। प्यार वाली फीलिंग का तो एहसास अभी तक हमें कभी हुआ नहीं, और होगा भी तो हमें पता चलेगा या नहीं ये नहीं पता। जब प्यार होता है ना तो अपने आप पता चल जाता है। माला जी, दुल्हन के लिबास में बहुत सुंदर लग रही है। हाँ, बहुत अच्छी लग रही है। और जी, आई कैन सी कि तुम भी वेडिंग में बहुत हेल्प कर रहे हो। हाँ जी,
हेल्प करना तो अच्छा होता है, इसलिए हम आते हैं। ऊपर से ये मंडप का डिजाइन कितना ओल्ड फैशन है, एक भी असली फ्लावर नहीं लगाया। देखो पीछे, एवरीथिंग इज सो डैम। ये देखो, ढंग का कुशन कवर तक नहीं है। और खाने का मेन्यू, सिर्फ 4 स्टार्टर्स और 6 मेन कोर्स डिशेस। इंसल्टिंग। ऑल गुड। ऑफ कोर्स, एक्चुअली नो, आई एम स्ट्रेस्ड। आप तो खुद एक परफेक्शनिस्ट हैं, राइट? समझती हैं किसी भी चीज में मीडियोकर होना कितना डिसअपॉइंटिंग होता है। किसी भी चीज में मेडियोकर होने से ज्यादा एक एजुकेटेड इंसान की मेडियोकर सोच मुझे डिसअपॉइंट करती है। गुड वन। अच्छा माला, ये रिचुअल्स जल्दी से करें। फायर के सामने इतनी देर बैठना, वो भी इतनी गर्मी में, इज इम्पॉसिबल। इस पंडित को बोलो पूजा थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में करें। हरी अप। आशीष। हे, आई विल जस्ट कम। आलिया, आई होप आपने माइंड नहीं किया हो। वो आशीष एनआरआई है ना, तो उनके लिए ये इंडियन वेडिंग इट्स लाइक बिग डील। आई होप यू अंडरस्टैंड। कभी कभी हम दिमाग से इतना सोच लेते हैं कि ये भूल जाते हैं कि कुछ डिसीजंस हमें अपने आत्मसम्मान के लिए लेने चाहिए। वीर के एक्सपीरियंस से यही सीखा था मैंने। मैं तुमसे सिर्फ यही कहूंगी कि तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम्हारे लिए सही हो। करना तो मुझे ही पड़ेगा। एडजस्टमेंट्स हर शादी में जरूरी होता है ना। आई मीन, आशीष शादी के अरेंजमेंट से मेरे साथ एडजस्ट कर रहा है और मैं उसके साथ एडजस्ट कर रही हूँ। एडजस्टमेंट? सारंगधर, वो एक्सक्यूज मी, सारंगधर, वो मुझे एक फेवर चाहिए, तुम्हारी हेल्प चाहिए। आपके लिए कुछ भी, कभी भी, कैसे भी। योर शो, मना तो नहीं करोगे ना? नहीं, कभी नहीं, कभी भी नहीं। कभी नहीं मतलब? मतलब कर देंगे, आप जो बोलेंगे हम कर देंगे। आले जी, रिंग चोरी करनी है, कर देंगे। चोरी? क्या कर रहे हो? अभी तो तुमने कहा था कि कुछ भी, कभी भी, कैसे भी, समथिंग लाइक दैट। चिल्ला क्यों रहे हो? हमने कहा ऐसा। तो किसने कहा? कर देंगे फिर। ओके, वो बॉक्स दिख रहा है तुम्हें? सुरेंद्र देखो तो, अभी रिंग सेरेमनी शुरू होने वाली है। उस बॉक्स में लड़के की रिंग है, तुम्हें वो लेके आनी है। ठीक है। हम वो अंगूठी कैसे? सुरेंद्र, जस्ट डू इट। एक मिनट।
सारंगधर, तुम इतना एक्सपेंसिव डायमंड रिंग चोरी किया? नहीं, इसका मतलब स्टेशनरी ऑफिस से तुम चुराते हो? रुको, मैं बोलता हूँ। सब सब बोल। मैंने उससे करने के लिए कहा है। What? Yes. सारंगधर। पर आलिया क्यों? इसमें एक चीप सी रिंग डालो। अरे, आलिया जी, अब हम दूसरी अंगूठी कहाँ से लाएंगे इतनी जल्दी? ये चीप नहीं है, गोल्ड 5000 एक्सपेंसिव। परम, क्यों इधर हैं? जल्दी तो। और इसे अच्छे से संभालो। इस बॉक्स को वापस जाके रख दो सारंगधर। ये लो। आलिया जी, हम कैसे जाके वहां रख दें? किसी ने देख लिया हमको दिक्कत हो जाएगी। सारंगधर, रख देंगे। उसे अपनी पॉकेट में रखो। ये कौन सी रिंग है? पापा ने खुद जाकर डायमंड रिंग खरीदी थी। स्टॉप इट। बेसिक अरेंजमेंट्स तो कर नहीं पाए और अब डायमंड रिंग खरीदने का ड्रामा कर रहे हो। एवरेज डेकोरेशंस, एवरेज अरेंजमेंट्स, एवरेज मेन्यू, उसके बाद भी मैंने तुम्हारे डैड से कुछ नहीं कहा। बट दिस इज हाइट्स, बिलो एवरेज चीप टाइप रिंग। नॉट डन। तुम्हारे मॉम डैड की ना सही, बट मेरे पेरेंट्स की सोसाइटी में इज्जत है। लुक, पहले एक डिसेंट रिंग गिफ्ट करो, उसके बाद बाकी के रिचुअल्स पूरे करूंगा। बेटा, सच में हमने पापा, रहने दीजिए। आप समझ में आया आलिया जी कि क्यों आपने अंगूठी अदला बदली की? अभी इसका एंड रिजल्ट तो आने दो, जस्ट वेट एंड वॉच। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।